तो स्वागत है आप सभी का स्टारली सॉन्ग का। दोस्तों, अवार्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के डिपार्टमेंटों में वैकेंसी जारी की गई हैं। आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अवार्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में 8,500 प्लस पदों के लिए आवेदन जारी किए गए तो हैं, अवार्ड जिसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आवेदन करने के लिए बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें कि 10th पास से लेकर 12th पास आईटीआई वाले हो गए, डिप्लोमा धारक हो गए, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों के पास मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड डिग्री या एक्सपीरियंस है, वो भी आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि डी फार्मा वाले हो गए, पी फार्मा हो गया, जीएनएम हो गया, कई सारे अलग अलग कैटेगरी के डिपार्टमेंट, मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है मेडिकल सेक्टर से, तो भी आप अवार्ड फार्मास्यूटिकल्स में आवेदन कर पाएंगे। बहुत अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, सबसे बेटर ये है कि आपकी परमानेंट जॉब है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपकी जॉब नहीं है, सीधे आप कंपनी के रोल पे काम करेंगे और आपको यहाँ पर सैलरी के साथ साथ अदर बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, आपको अपने ही इंडस्ट्री में तो काम आप करना रहेगा। ऐसे जो भी कैंडिडेट जो है मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में काम करने के लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर वीडियो को देखें, फुल जानकारी देखने के बाद ही आप यहाँ पर आवेदन करें। हम आप सभी को दोस्तों डिटेल्स में बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको इस अवार्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जॉब मिलेगी, कैसे आवेदन आपको करना रहेगा, कौन से डिपार्टमेंटों में कितनी वैकेंसी जारी की गई है, क्या आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, कहाँ पर आपको जॉब करनी है। चलिए तो दोस्तों, चैनल मिलिए देखिए, बिल्कुल। वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर भी कर दें। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, हम आपके लिए ऐसी जॉब शूटिंग लेकर आते हैं ताकि आपकी बेरोजगारी दूर हो सके, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हाँ, शेयर भी कर दें। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्क्रीन पे, जैसे कि फ्रेशर्स लेकर एक्सपीरियंस, मतलब कि दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। बहुत सारे मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड कैंडिडेट कमेंट करते हैं, तो मैं उन सभी के लिए बता देता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं कि ये जॉब बिल्कुल निःशुल्क है, आपको भी पैसा वगैरह भी नहीं किसी को पे करना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जॉब के जो है चक्कर में फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, तो आपको हमेशा से ही किसी को एक भी पैसा वगैरह नहीं पे करना है जॉब के रिगार्डिंग। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज के तौर पर यह जॉब वैकेंसी जो भी देखते हैं, वो सिर्फ एक न्यूज होती है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो भी जॉब्स की अपडेट निकल कर आती है, जानकारी बता दी जाती है, किसी को जॉब वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आप लोग हमेशा फ्रॉड लोगों से बच कर रहे हैं। आपको हम प्रॉपर वीडियो में समझाते हैं कि आपको कैसे जॉब में अप्लाई रहेगा, करना है, कैसे कैसे कॉन्टेक्ट करना करना रहेगा, सभी प्रोसेस। अगर आप किसी को पैसा देते ही हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप सही होंगे। दोस्तों, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पे बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 10th पास रखा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा वाले हो गए, बी फार्मा वाले हो गए, ये सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ग्रेजुएट वाले की बात करें तो बीए, बीएससी, जीएम, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट में एमटेक, एमएससी, हर एक अलग अलग क्वालिफिकेशन वाली एलिजिबल होने वाली है। आप जो कैंडिडेट अभी कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास तो ये मतलब एक्सपीरियंस इतनी ईयर का और हमारे पास मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड ये डिग्री है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 10th पास ही रखा गया है। आपके पास 10वीं से अपर लेवल की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस है, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपकी जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पर 18 से 48 वर्ष ही रखी गई है। बहुत सारी वैकेंसियों में ऐसा होता है 42 भी होता है, 55 भी होता है, लेकिन इस बार से 48 ईयर्स ही रखी गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भर्ती जारी की गई है। और आपको जो सैलरी वगैरह मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ सैलरी सभी की, जैसे कि 16,000 से लेकर 48,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ वो एक एक्सपेक्टेड सैलरी है, आपके एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंट और पोस्ट के ऊपर भी दोस्तों निर्भर करता है ये। और उसके बाद आपको अदर फैसिलिटीज वगैरह जो मिलेंगी कंपनी की तरफ से, जैसे कि पीएफ की हो गई सुविधाएं, ये सारी हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया यहाँ पर, और मेडिकल सेक्टर से वैसे भी कंपनी है तो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस तो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। कैंटीन, ट्रांसपोर्ट और भी कई सारी अलग अलग कैटेगरी की ड्रेस सहित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कंपनी में। आपको ध्यान रखें कि भी इसका पैसा वगैरह नहीं पे करना है। अदर जो डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, जैसे कि सीवी हो गया, क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 2048 पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर नीड पड़ने वाली है अप्लाई करने के बाद। कैसे आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा इस जॉब वैकेंसी में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना रहेगा ऑनलाइन। आवेदन करने के बाद आपका एप्लीकेशन का जो है शॉर्टलिस्टिंग होगी, जैसे आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफर लेटर दिया जाएगा। ये हो कैसे गया आपका, कांटेक्ट करना करना? उसके लिए आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो को अभी आप जो देख रहे हैं इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट करें। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं, कई बार मैंने देखा भी है, वो वीडियो को नहीं, वो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेते हैं, जिसमें कि उनको अप्लाई लिंक नहीं मिलती है, फिर वो कमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, हम वीडियो को अपलोड करते हैं, कभी कभी डिफॉल्ट की वजह से नहीं हम वहां पर मेंशन कर पाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। साथ ही आप लोग वीडियो जो अभी देखते हैं उसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें और आसानी से आप लोग वहां से आप कर पाएंगे। तो चलिए, आप सभी को हम लाइव प्रूफ आवेदन भी करके दिखा देते हैं कि आपको जो है इस जॉब वैकेंसी में कैसे आवेदन करना है। चलिए, यहाँ पर आपको लोकेशन टाइटल का ऑप्शन दिख जाएगा और ये सर्च वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग आसानी से सर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट कैटेगरी वगैरह भी समझ लेनी है। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप कैटेगरी का ऑप्शन दिया रहेगा,
कैटेगरी में आपको क्या करना है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीटली यहाँ पर देख सके। जैसे कि यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं, एवर्ड फार्मास्यूटिकल सी कंपनी में काफी कैटेगरी की जॉब वैकेंसी है। अगर आप कम्युनिकेशन का करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सर्विस का करना चाहते हैं, कस्टमर एंड टेक्निकल सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों जो भी कस्टमर्स की क्यूरीज वगैरह होती हैं आपको सॉल्व वगैरह करनी रहेंगी, और टेक्निकल सपोर्ट जो भी होता है और वो भी आपको यहाँ पर देखनी रहेंगी, और अबाउट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी फाइनेंस का काम हो गया, जनरल मैनेजमेंट का हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज का हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीगल का काम हो गया, मार्केटिंग एसेस का हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेडिकल एंड क्लिनिकल अफेयर्स का काम हो गया, ऑपरेशंस प्रोक्रूटमेंट, और भी कई सारी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी की जॉब वैकेंसी जारी की गई। जैसे कि जो कैंडिडेट सेल्स में काम करना चाहते हैं, क्वालिटी में करना चाहते हैं, प्रोक्रूटमेंट ऑपरेशंस में, हर एक अलग अलग हर प्रकार की जॉब वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जारी की गई है। इतना होने के बाद अब हम थोड़ा यहाँ पर चल देते हैं जॉब टाइप के बारे में, कंट्री और स्टेट वगैरह के बारे में। तो आपको यहाँ पर जॉब टाइप अपना सेट कर लेना है, फुल टाइम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, अबाउट फार्मास्यूटिकल्स में ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। जो कैंडिडेट पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ से आवेदन करवाएंगे, साथ ही जो कैंडिडेट फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ से करवाएंगे, जिसमें 2,377 प्लस फुल टाइम आपको जॉब वैकेंसीज दिख रही हैं, 45 जो है यहाँ पर पार्ट टाइम की जॉब वैकेंसी दिख रही है। उसके बाद आपको कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेना है, अपना इंडिया ही ध्यान रखें, बाहर अदर कंट्री नहीं आपको सेलेक्ट करनी है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर इंडिया दोस्तों सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको लैपटॉप दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों इंडिया सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर जैसे ही इंडिया सेलेक्ट किया तो आपके सामने थोड़ा नीचे तरफ आप इसको जूम इन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ यहाँ पर पर जैसे जैसे ही दोस्तों इंडिया सेलेक्ट किया, अब आपके सामने मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। स्टेट में आपको हर एक अलग अलग कैटेगरी के स्टेट्स आपको अपने पूरे इंडिया के दिख जाएंगे। आंध्र प्रदेश में जो कैंडिडेट काम करना चाहते हैं, सेंट्रल सिंगापुर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और जैसे आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, स्टेट ऑफ इंडिकेटेड नॉट इंडिकेटेड तमिलनाडु, तेलंगाना, अनस्पेसिफाइड उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी अलग अलग लोकेशंस की वैकेंसीज हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आपने लोकेशंस तो हमको बताई नहीं, प्रॉपर कहाँ पर काम करना रहेगा, आपने मल्टीपल लुक दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी सारी अलग अलग लोकेशंस की वैकेंसी है, इसीलिए बहुत सारी वीडियो में हम मल्टीपल लोकेशन इन पे इंडिया लिख देते हैं, मतलब कि आपको अपने इंडिया में ही काम करना रहता है, बाहर नहीं करना रहता है, इस चीज को आप लोग पहले समझे। उसके बाद हम इतना तो हो गया आपका ये स्टेट वगैरह, अब यहाँ पर आप सिटी भी सेलेक्ट करवाएंगे। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, अब आपके सिटी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लखनऊ की सिटी भी यहाँ पर अभी फिलहाल वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पर डिवीजन भी देख पाएंगे, ईपीडी स्टेब्लिशमेंट फार्मा में करना चाहते हैं जिसमें भी, ये तो सभी प्रोसेस हो गया दोस्तों। आप इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के जैसे बाद कि अब हम दोस्तों आपको अब आपको यहाँ डायरेक्ट पर सभी पोस्टों के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे, टेरिटरी बिजनेस मैनेजर का काम जो है वो लखनऊ की लोकेशन पे यहाँ पर जारी की गई है, एरिया बिजनेस मैनेजर का काम हो गया, की अकाउंटेंट मैनेजर का काम हो गया, एरिया बिजनेस, टेरिटरी बिजनेस, हर तरह की यहाँ पर जॉब वैकेंसी है। साथ ही आप लोग यहाँ से नेक्स्ट वीक कर पाएंगे, नीचे की तरफ जैसे आएंगे सेकंड थर्ड फोर्थ पे जितना आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपको जॉब वैकेंसी यहाँ पर दिखती जाएगी। और ध्यान रखें आप अपनी ही क्वालिफिकेशन वाइज अप्लाई करें, यहाँ पर अगर मैं आप सभी को वन बाय वन करके अप्लाई करके दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। मैं आप सभी को डेमो के तौर पर एक जॉब में अप्लाई करके दिखा देता हूँ, पोस्ट में सेम आप उसी तरीके से इन सभी पदों पर आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम टेटरी बिजनेस मैनेजर का ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेटरी बिजनेस मैनेजर की मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर ली, लोकेशन आपकी दिल्ली की रहेगी और आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे, सेव कर सकेंगे और यहाँ से आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन से। यहाँ पर आपको सभी अपनी प्राइमरी जॉब फंक्शन के बारे में पढ़ लेना है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड वगैरह भी यहाँ पर सभी जानकारी दी गई। जैसे कि हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, यहाँ पर बीएससी वाले इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, बी फार्मा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही अगर आपको एक्सपीरियंस है 3 ईयर का तो और अच्छी बात है। तो बहुत ही और ये एक्साइटिंग जो जॉब वैकेंसीज है, कुछ भी अगर आपको अभी भी दिक्कत है फॉर्म फिलअप करने में या कुछ भी आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा। साथ ही इस चैनल पर आप नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वहाँ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में नई जॉब सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। है।